रात में कहीं एंगेज हो गए थे क्या आप? हाँ, मैं काफी लेट घर वापस पहुंचा। अच्छा, कहीं बाहर निकले हुए थे आप? हाँ, कहीं बाहर निकले हुए थे। अच्छा। मोटे और सर सर ठीक हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। अच्छा, हाँ, वो कल संजय सिवाल जी आए हुए थे यहाँ, वेरी गुड। तो उन्होंने बताया कि सर कैसे कैसे आप प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, जी जी तो जी उनको संजय को बोला कि आज प्रोग्राम के विषय में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कैसे कैसे सेट कर रहे हैं, हाँ 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 तो आप कोई बता देंगे। संजय को बोला कि आप कोई हाँ बता देंगे और फिर सर कोई बता देंगे, समझे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ना? है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ और एक सर और चीज बोलना था ना कि दो ग्रुप आपने जो बना के रखा हुआ है, तो दो उन दोनों ग्रुपों में भी हमको जोड़ दीजिए ना। हमने कौन से दो ग्रुप बना के रखे हैं? अच्छा, एक क्राइम फ्री ग्रुप है आपका। मैं आपको जोड़ देता हूँ, बहुत सारे ग्रुप हैं, करीबन मैं 1 लाख लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ सर, तो मतलब वो संजय वो दो ग्रुप को तो कल दिखा रहे थे हमको। नहीं, वो संजय दो में होंगे इसलिए दो को दिखा रहे थे। ऐसे हाँ कम से कम हजारों ग्रुप हैं और कम से कम 1 लाख लोग हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अच्छा, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं सर, हाँ, 1 लाख से तो ज्यादा लोग हैं। जी 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 और सर कुछ चीजें सिन्हा साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा। जी बोलिए ना सर। एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक हाँ पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया है। हाँ अच्छा, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उसका नाम जो है जी 2024 तक गोपनीय रखा जाएगा, अच्छा, जो और गोपनीय उसके पीछे जो मकसद है वो भी मैं बता देता हूं, जी सर। क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है उस पार्टी को अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे, ये हम हाँ मौका सर इन्हें कभी नहीं देंगे। जी और जी उस जी जी सर पॉलिटिकल पार्टी का और कोई काम ही नहीं है, उस पॉलिटिकल पार्टी को इस उद्देश्य से पैदा किया गया है जी कि सर वो जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत चुनाव आयोग की जितनी भी औपचारिकताएं हैं जी उनकी पूर्ति करे, बस, राइट। अच्छा अच्छा और अच्छा ये बहुत जो अच्छी बात है, है सर जो अभी अपन ने जो क्राइम फ्री भारत मिशन को बढ़ाया है जी और सर उसमें जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, जी उन्हें सर अपन ने चंद्रगुप्त कहा है। हाँ तो हर क्षेत्र के चंद्रगुप्त को, क्योंकि आपको 543 लोगों को टिकट देना होगा सांसद का, राइट। जी 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 तो बिल्कुल इस सर पॉलिटिकल पार्टी का केवल एक ही काम है कि हाँ सर क्राइम फ्री भारत मिशन जिन चंद्रगुप्तों का नाम इनको बताएगा, ये हाँ पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के उन लोगों के पास पहुंचेंगी कि जी आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ने अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट पाने के लिए चंद्रगुप्त घोषित किया है और मुझे आदेशित किया है कि आप जो है हाँ जाइए और उनको टिकट दीजिए। तो अच्छा इन अच्छा अच्छा चंद्रगुप्तों को बिना मांगे, बिना हाथ फैलाए, खुद ब खुद टिकट मिल जाएगा। जी, और तो ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी आज की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जैसा पेश नहीं आएंगी। तो ना जी तो सर इनका काम चुनाव प्रचार करना है, हाँ ना सर इनका काम आम सभाएं करने का है, जी सर इनका ना रैली निकालने का काम है। इनका जी सिर्फ एक ही छोटा सा काम था कि चंद्रगुप्तों के पास हाथ जोड़ के जाएं और कहें कि हमें अपराध मुक्त भारत मिशन का आदेश मिला है कि आप उनके चंद्रगुप्त हैं और मैं आपको टिकट दूं, ठीक है ना। फिर हो टिकट दे रहा हूँ। तो टिकट मिल जाएगा और फिर अच्छा जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के जो 100 करोड़ लोग और बाग आगे चल के तो पूरे 137 करोड़ लोग हो जाएंगे, जी सर क्योंकि कबीरदास जी जो कह के गए हैं कि जी सर लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, हाँ लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जो हाँ जो 37 करोड़ लोगों को हमने विद्वान, खुदगर्ज, स्वार्थी और अपने लाभ के लिए जीने वाले होने के कारण पत्थर घोषित किया है, जी ये सर पत्थर भी जो है उस लालिमा से बच नहीं पाएंगे हाँ और सर वो ऊर्जाकृत भी होंगे, लाल भी हो जाएंगे, शरणवत भी होंगे, दंडवत भी होंगे और जी अपराध सर मुक्त भारत मिशन से अपने लाभ के लिए जुड़ जाएंगे, जी जी क्योंकि वो सर इतने कैलकुलेटिव, इतने विद्वान और इतने खुदगर्ज हैं
कि जी उस सर, लाभ को वो बड़ी आसानी से देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, लिहाजा जुड़ना उनकी मजबूरी होगी, हाँ, ये तो सर आपने बहुत अच्छा पूरा बनाया सर। राइट? हाँ सर तो जो है, जैसा हमने आपको कई बार समझाया है कि जी, 100 करोड़ लोगों को जोड़ना बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल आपने आसान देखा है है ही सर, कि बिल्कुल। आपने आपने अभी शपथ पत्र जारी नहीं किया है, हमने एक शपथ पत्र जारी किया है जो आप सबको भरना है। हाँ, तो सर उसके लिए बताइए ना सर, क्या क्या भरना है सर उसको आपको सर। जो है वो, आप जो है उसमें ऐप में जाइए और उसमें जो ना सभी फीडिंग में हम दे रहे हैं कि शपथ पत्र का प्रारूप क्या है। अच्छा, तो वो शपथ शपथ पत्र पत्र का में प्रारूप लिखा है। गया है कि हाँ सर मैं जो है इस भारत माता की जो ना शपथ लेता हूं कि मैं जी, इस देश को अपराध मुक्त बनाने के लिए, ये करने के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा। फिर जी जी बिल्कुल सर, वो कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और जी संकल्प लेता हूं कि कम से कम एक वीडियो हर दिन देखूंगा और उस पर अपने कमेंट भी लिखूंगा, उसे लाइक भी करूंगा। हाँ और सर, इसके पीछे मकसद है कि हम अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। तो जी जी यदि जी हम ऐसा बिल्कुल, नहीं करेंगे तो हमारी ऊर्जा विभिन्न कारणों से नीचे डिप हो सकती है। तो हाँ, नीचे हमारी गिर जाए ऊर्जा सर। नीचे जाने की बजाय उत्तरोत्तर ऊपर बढ़े, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास हमेशा ऊपर बनता चढ़ता जाए, राइट? जी जी फिर सर, कहा गया है कि मैं शपथ लेता हूं कि जो 5 संकल्प हैं, इन 5ों में से एक संकल्प को पूर्ति करूंगा, जिसमें है कि हर दिन जो है ना 10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन तक, नहीं तो 5 लोगों को जोड़ना है 18 दिन तक, नहीं तो 3 लोगों को जोड़ना है 30 दिन तक, नहीं तो जी दो सर, लोगों को जोड़ना है 45 दिन तक, जी और सर, एक व्यक्ति को जोड़ना है 90 दिन तक। तो इस तरीके से हर 5ों संकल्पों में जो भी संकल्प आप लेते हैं, कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। अच्छा, 90 लोग इस को जोड़ रहे हैं हाँ, सर। इस हाँ सर शपथ में जो है एक बात और बड़ी जोड़ी गई है, जी वो सर, ये है कि मैं शपथ लेता हूं कि प्रतिदिन इस शपथ के में जो निम्न वर्णन दिया गया है उसके अनुसार हम लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना? जी सर, तो जी सर, सोमवार का दिन अपने परिवार के लोगों को जोड़ने का है, राइट? अच्छा, तो परिवार के परिवार को लोगों जोड़ने का जो है ना, एक या दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा में सोमवार में वो पूरा हो जाएगा, राइट? जी जी सर, तो फिर उस सोमवार को जो 16 बाह्य विधाएं हैं, उनमें से जो बाह्य विधा में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उससे उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना? जी 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 सर, हाँ दूसरी सर, विधा मित्रों की है, तो मित्रों की भी एक सीमित सूची होगी, वो जी खत्म हो जाएगी तो फिर वो बाह्य विधा के लिए चला जाएगा मंगलवार। तो अभी वो अपने मित्रों को जोड़ने का है, मित्रों में पड़ोसी से लेके हर कोई आ जाता है, ठीक है? हेलो, फिर हाँ जो बुधवार है हाँ वो अपने रिश्तेदारों को जोड़ने का है, राइट? हाँ हाँ सर, तो रिश्तेदारों की भी संख्या सीमित ही होती है, जब वो हाँ सर, रिश्तेदारों की सूची खत्म हो जाए तो बुधवार किसी बाह्य विधा के लिए चला जाएगा, ठीक है ना? फिर जो हाँ, है चौथा है कि हम अपने सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा, तो ये इसके लिए गुरुवार का दिन तय किया गया है, तो जी गुरुवार अपने सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ना है, राइट? जी फिर सर, हाँ सर, शुक्रवार को विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ना है, हाँ शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, हाँ और रविवार को समाज सेवी संगठन से हाँ जुड़े लोगों को जोड़ना धो लीजिए, धो है। लीजिए, तो हाँ सर, बोलिए इस सर, प्रकार 7ों दिन का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। तो हम जी सर, 15 मिनट, आधा घंटे जो भी दें, कम से हाँ कम एक व्यक्ति हम जो है ना जोड़ने का कोशिश जरूर करें। तो जी इस सर, प्रकार हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ को पार कर सकते हैं। हमने आपको एक चीज और समझाई थी कि जी ये सर, कितना आसान है, क्योंकि 9वें दिन जो है जुड़ने वालों की संख्या 90 करोड़ होगी, और चूंकि 9 दिन में संकल्प पूरा हो जा रहा है, लिहाजा इन 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। जी क्या सर, जोड़ना है? नहीं, नहीं, तो 90 करोड़ लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लें तो भी ना हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। जी तो सर, मैं सिन्हा साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपने आप को जोड़ना मुश्किल काम है? नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, आसान है राइट सर, बिल्कुल राइट। आसान है सर, अब 8वां और 9वें दिन को मिला के हाँ नब्बे सर, करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, हाँ और सर, जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है, राइट? इसका निन्यानवे करोड़, मतलब है कि यदि हम 8 और 9 दिन के दोनों की संख्या को जोड़ दें, हाँ सर, तो हर व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है, ठीक 0.9 वेक्टर को जोड़ना है है, ना? हाँ इसका सर, मतलब है एक व्यक्ति से भी कम। हाँ, एक व्यक्ति इसको से, इसको हम इस ढंग से पढ़ सकते हैं कि 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा हाँ सर, यदि
पति अपने पत्नी को जोड़ दे या पत्नी अपने पति को जोड़ दे तो हाँ 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। जी जी अब आप जी ये सर, बताइए कि क्या पति को पत्नी को जोड़ना या पत्नी को पति को जोड़ना कठिन काम है? नहीं सर बिल्कुल आसान राइट, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब बचे हाँ संकल्प तो मैथिली शरण गुप्त को जो है 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। हाँ जिन नौ सर लोगों को वो जोड़ेंगे उनके पास हाँ 8 दिन बचेंगे तो उन 80 लोगों को जोड़ना है। तो नौ अच्छा लोगों को मात्र 80 लोगों को जोड़ना है, जी जी 90 लोगों जी को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों जी को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, जी 9,000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, जी नब्बे जी हजार लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, नौ सर लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, नब्बे हाँ लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। अब ये बताओ कितना आसान है ये? नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल आसान है अब सर अपन एक दूसरी डायनामिक्स पे बात करें कि हाँ सर राजनेता ये दुष्ट हैं, इनके पाप का बड़ा भर चुका है, ये जो हाँ है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये हाँ छदम तरीके से जीतते हैं, तो जिन तरीके से ये जीत रहे हैं हम अपने लोगों का उसमें भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो हमसे जुड़े जो सदस्य जो गरीब होंगे, जी जो सर जिन्हें चुनाव के समय ये पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो क्राइम फ्री मिशन का अपने गरीब सदस्यों के प्रति आदेश है कि वो इनसे नेगोशिएट करें और 1,000 और 2,000 ना लें, 20,000 लें, 30,000 लें, ठीक है ना? हाँ वो जो है सर ना दारू की एक बोतल ना लें, एक पूरी क्रेट लें, साड़ी का एक ना लें बल्कि जो ना मिनिमम 6 लें, और इसके बावजूद भी वोट इनको नहीं देंगे, क्योंकि ये जो पैसा ये बांट रहे हैं ये पैसा जो है इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके मक्कारी से इकट्ठा किया है, ये इन गरीब लोगों का ही है, तो ये इनको लेना इनका हक है, तो वोट इनको नहीं देंगे, वोट चंद्रगुप्तों को देंगे, और ये हमारे गरीब लोगों को चुनाव के बाद तंग ना कर पाए। तो क्राइम फ्री भारत मिशन शपथ लेते ही एक ऑर्डिनेंस लेके आएगी जिसमें इसको ये संज्ञेय अपराध बना दिया जाएगा, तो ये बाहुबली थोड़ी सी भी मक्कारी करेंगे तो ये जेल में सड़ने के लिए बेबस होंगे। तो सन्ना जी आप बताइए कितना आसान है ये काम? हाँ सर, और फिर सर क्या करेंगे ना, जब अपना जब शासन हो जाएगा तो ये सब सर कोर्ट का, जेल का और सब ट्रैफिक पुलिस का कोई काम ही नहीं रहेगा सर, ये मोहल्ले मोहल्ले में ही सारी चीज का पता हो जाएगा सर। बिल्कुल, और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा, हाँ और सर जो फाइन होगा उसका 50% जो कैप्चर करेगा उसे जी सर मिलेगा। जी सर तो क्राइम फ्री भारत इस देश को चलाने के लिए इतना रिसोर्स पैदा कर देगा कि जिसका संज्ञान लेना, जिसको समझना आज जो है ना साधारण आंखों से, साधारण सोच से संभव नहीं। हाँ वाह 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 हाँ सर ठीक ठीक अब बोल रहे चलिए, हैं सर तो अब जो है